हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 29 मई 2021 के टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम्स, अगर किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से बने रहते हैं और मॉर्निंग की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो डेली बेसिस पे देखते रहते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में 100% यहाँ पे 4 से 5 नंबर का 100% हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो 5 बजे लेके आ जाता हूँ। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे 5 बजे अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। और उसके लिए आपको सिर्फ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है सब्सक्राइब के बाद, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा भोर में 5 बजे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसको आप देख के आराम से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस बीमारी प्रतिक्रिया श्रेणी के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स में किसने गोल्ड अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इसका, अवार्ड का नाम है यहाँ पे देखिएगा एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स का यहाँ पे गोल्ड अवार्ड जो है वो जीता गया है यहाँ पे स्पाइस हेल्थ ने, ठीक है, स्पाइस हेल्थ ने यहाँ पे गोल्ड अवार्ड जीता है 2021 का एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स में। एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी 29 देशों में कार्यस्थल में नवाचार को मान्यता देने वाला एकमात्र व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम है। अकेला ऐसा पुरस्कार है जो एशिया पैसिफिक रीजन्स के जितने भी कंट्री हैं उनमें जो इनोवेशन होता है अपने वर्क प्लेस को लेके, वो अकेला ऐसा पुरस्कार है यहाँ पे एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स अकेला पुरस्कार है जो इन लोगों को दिया जाता है। आभासी पुरस्कार ये दिया गया है, यानी कि ये वर्चुअल यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 14 जुलाई 2021 को ये आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये लाइव ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये इनाम दिया जाएगा, कोई यहाँ पर जाके उपस्थित नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये भी दूसरा क्वेश्चन भी आपका पुरस्कार से संबंधित है। इस पुरस्कार का नाम है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 का दिया गया है, भारत रत्न है ये प्रोफेसर CNR राव, इनको दिया गया है किस क्षेत्र में? अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया 2020 का, नाम है प्रोफेसर CNR राव। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, यानी समझ सकते हैं कितना बड़ा पुरस्कार है जो हमारा अनुसंधान ऊर्जा के अनुसंधान क्षेत्र में, इसको नोबेल पुरस्कार के तौर पे माना जाता है और इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। तो अवार्ड का नाम याद रखिएगा, एनी पुरस्कार है और इसको हम किस नाम से जानते हैं? एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह पुरस्कार इन्हें धातु ऑक्साइड कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्वि आयामी प्रणालियों पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, CSS कॉर्प के बोर्ड ने किसे संगठन का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है? तो सुनील मित्तल जी को यहाँ पे CSS कॉर्पोरेशन ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, सुनील मित्तल जी को। वर्तमान में ये CSS कॉर्प के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं जो 1 जुलाई 2021 से CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। 1 जुलाई 2021 से CEO बन जाएंगे, लेकिन अभी भी ये CSS में ही हैं, CSS कॉर्प में भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कार्य क्या है? मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वर्तमान में CSS कॉर्प के CEO हैं मनीष टंडन, जो कि अब 1 जुलाई से नहीं रहेंगे, 1 जुलाई 2021 से अब सुनील मित्तल जी नए CEO बन जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य के मंत्रियों का एक पैनल स्थापित किया है, इस पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो नितिन पटेल जी हैं जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि हमारे केंद्र सरकार ने एक राज्यों के मंत्रियों का एक पैनल स्थापित किया है, इस पैनल के अध्यक्ष बने हैं नितिन पटेल जी। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लगाने के लिए किसानों, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और
रेस कोर्स की सेवाओं के बेहतर मूल्यांकन के लिए पैनल स्थापित किया है। पैनल की अध्यक्षता नितिन पटेल जी करेंगे, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं। पैनल इन सेवाओं के मूल्यांकन के बेहतर साधनों के लिए कानूनी प्रावधान में किसी बदलाव की आवश्यकता की भी जांच करेगा। अगर जो नए पुराने कानून हैं उनमें अगर कुछ बदलाव चाहिए तो ये जो पैनल बन रहा है नितिन पटेल की जी की अध्यक्षता में, ये उन चीज़ों को यहाँ पे अगर बदलाव किया जाना चाहिए तो उसमें बदलाव करने के लिए की जो जांच है वो भी करेगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेरा मुत्तु जी हैं, तमिलनाडु के कवि और गीतकार हैं वेरा मुत्तु, इनको क्या दिया गया है? ONV पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा मिसप्रिंट थोड़ा सा है, इसको ONV कर लीजिएगा, ONV ही लिखा है, बस थोड़ा सा वो बीच में लाइन आ गई है। ONV पुरस्कार दिव्यांगत कवि ONP कुरुपु की स्मृति में देशभर में के साहित्यकारों, कवियों और संगीतकारों को दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दो चीज़ आपको याद रखना है कि जो ONV पुरस्कार है इस बार का किसको मिला है, वेरा मुत्तु जी को मिला है, जो कि तमिल भाषा के कवि और गीतकार हैं। और ONV जो पुरस्कार है वो दिव्यांगत कवि जो थे हमारे ONV कुरुपु की स्मृति में, यहाँ पे इनका नाम ही है ONV, तो इसी नाम से इनको ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और इस पुरस्कार में 3,00,000 रुपये का नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका सामने यहाँ पे दी जाती है जो जीतता है ये पुरस्कार। छठवां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस देश के साथ बायोहब सुविधा शुरू करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो WHO यहाँ पे स्विट्जरलैंड के साथ यहाँ पे एक सहमति हस्ताक्षर पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। बायोहब सुविधा क्या है? बायोहब सुविधा प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच रोग जनकों को तेजी से साझा करने की अनुमति देगा ताकि उनके खिलाफ बेहतर विश्लेषण और तैयारियों को सुविधाजनक बनाया जा सके। काफ़ी अच्छी ये शुरुआत है। यह सुविधा अन्य प्रयोगशालाओं में वितरण के लिए जैविक सामग्री के सुरक्षित अनुक्रमण, भंडारण और तैयारी में मदद करेगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और मुद्रा है स्विस फ्रैंक। चांसलर हैं स्विट्जरलैंड की कोरिना कासानोवा। और WHO की बात की जाए तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय WHO का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम में WHO के महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम में ट्रूडोस एडहनोम। और यहाँ पे उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन, दो लोग उप महानिदेशक हैं। महानिदेशक हैं ट्रेडोस एडहनोम और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल हैं की निवासी हैं, और जेन एलिसन दूसरे हैं। सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है? तो मेघालय राज्य सरकार ने 50,000 रुपये की यहाँ पर अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी जिन्होंने COVID-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अपने परिजनों को खो दिया है। अनुग्रह राशि 1 अप्रैल 2021 से मान्य होगी। मुख्यमंत्री हैं कारनद संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कहाँ के? मेघालय के। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। आवश्यक रखरखाव अधिनियम को अगले 6 महीनों के लिए लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवश्यक रखरखाव अधिनियम 1966 रेलवे, हवाई अड्डे, डाक और टेलीग्राम जैसी जो है सेवाएं हैं आवश्यक सेवाओं में कर्मचारी द्वारा हड़ताल पर रोक लगाता है। तो यहाँ पे अगर आप रेलवे बोर्ड में कोई कार्यरत अधिकारी हैं, कार्य करने वाले वर्कर हैं, हवाई अड्डे पे काम कर रहे हैं, डाक विभाग में काम कर रहे हैं, टेलीग्राफ में काम कर रहे हैं, तो आप अब हड़ताल नहीं कर सकते इस अधिनियम के तहत। यह सरकारी विभागों, सरकार द्वारा संचालित निगमों और विकास प्राधिकरणों में हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। नवा क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कितने नए सदस्यों को यहाँ पे नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो 3 नए सदस्यों को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। ये सभी भारतीय राजस्व सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं। ये तीनों लोग का नाम देख लीजिए, अनुजय सिंह, JB महापात्रा और अनुजा सारंगी। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस,
ठीक है। स्थापना की गई थी इसकी 1 जनवरी 1964 को। प्रमुख है इस समय प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है पीसी मोदी, प्रमोद चंद मोदी। और मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, आयकर विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमन जी, तो इनके अंतर्गत आता है हमारा CBDT। अब देखते हैं हम आप आज का 10वां क्वेश्चन, किसने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया है। तो तीन भारतीय कितने भारतीय सैनिकों को यहाँ पे पूछा गया था, तो तीन भारतीय सैनिकों को सम्मान से मरणोपरांत ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। तीनों शांति सैनिकों को डेग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। मेडल पाने वालों में कॉर्पोरल युवराज सिंह शामिल हैं जिन्होंने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य किया। दो नागरिक शांति सैनिकों इवान माइकल पिकार्डो जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवा की, और मूलचंद यादव जिन्होंने इराक में संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे सहायता मिशन के लिए कार्य किया था। 29 मई को ये दिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 29 मई को मनाया जाएगा। पहली बार ये कब मनाया गया था, 29 मई 1948 को। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करेंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन अभी भी जाइएगा मत, आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक विशेष कार्यबल का गठन किया है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कल के पूछे गए प्रश्नों का आंसर, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न पूछता हूँ उसका कल के वीडियो में नेक्स्ट डे के वीडियो में लास्ट में इसका आंसर दिखाता हूँ। कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर है वित्तीय प्रश्न, देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस राज्य को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI मिला है, तो गुजरात राज्य को मिला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है, ये 37% है, याद रखिएगा 37% है, 37% FDI मिला है गुजरात राज्य को। कुल FDI इक्विटी प्रवाह में 37% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष यहाँ पे प्राप्तकर्ता राज्य है गुजरात। इसके बाद 27% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक 13% के साथ तीसरे नंबर पे है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में सिंगापुर से सबसे अधिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो प्राप्त किया है, ठीक है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर से सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से आया है, सिंगापुर से आया है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करते जाइएगा, और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं इस चैनल पे और आप डेली बेसिस से मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।